Alright, so I have these two machines with me. और ये दोनों मशीन्स 1500 ईच है, मतलब 1500 रुपए की एक मशीन है. एंड दीज आर द चीपेस्ट मशीन्स यू कैन गेट इन द मार्केट राइट नाउ. सो द क्वेश्चन इज, क्या आप एक सस्ती मशीन को कम्पीट कर सकते हो एक्सपेंसिव मशीन से? डू यू थिंक सो कि ये सिमिलर क्वालिटी का काम दे सकती है जैसे मैं शेन यूज़ करता हूँ या इंजेक्टा यूज़ करता हूँ? सो द क्वेश्चन कम्स कि क्या एक्सपीरियंस और नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है या सच में मशीन का एक्सपेंसिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? सो आई डू हैव अ वॉलंटियर जिसने एग्री किया है कि वो इस टाइप की मशीन से टैटू करवा लेंगे. एंड उससे पहले हम चेक करते हैं कि मशीन कैसी है. सो कम ऑन. सो ये वाली तो कॉफिन की तरह आई है. कॉफिन बोलते हैं ये वाली तो वैसे भी कॉफिन की तरह आई है. सो ये वाली शायद या इट्स अ कॉइल मशीन. सो दिस इज द मशीन. क्योंकि ये बहुत ही चीप है सो आई फील इसमें 6 रैप की कॉइल्स हैं. एंड फ्रंट स्प्रिंग देख के लग रहा है कि ये एक लाइनर मशीन है बिकॉज लाइनर का ही फ्रंट स्प्रिंग छोटा होता है. और अगर ये शेडर होती तो इसका ज़्यादा आगे तक होता. ऑब्वियसली आप 1500 में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि लाइनर मशीन अलग होगी और 1500 में शेडर अलग होगी. सो आई थिंक इट्स अ ऑल इन वन मशीन विद अ 6 रैप कॉइल. सो आई गॉट दिस फॉर 1500 एंड दिस इज द सेकेंड वन. वाओ, इसके साथ तो एलन की भी आई. सो दिस इज द सेकेंड मशीन. इट्स अ रोटरी लिखा हुआ है तो ऐसा लग रहा है रोटरी ब्रांड का नाम है. तो इसको चेक करके देखते हैं. सो नो आइडिया कि इसको कितने वोल्टेज पे रन करना है. और क्लाइंट के आने से पहले मैं एक बार रन करके देखना चाहता हूँ कि ये कैसा हिट देती है, सक्सेसफुल होगा भी नहीं होगा. बिकॉज इसके साथ तो नीडल रिटेनर भी आया है, मतलब रबर बैंड लगाने की भी ज़रूरत नहीं है. तो लेट्स ट्राई फॉर 6.5 वोल्ट. बहुत ज़्यादा वो है, सॉलिड हिटिंग है ये तो. मतलब 6.5 वोल्ट पे इतनी ज़्यादा तेज चल रही है. आई फील 5.5 सही रहेगा इसके लिए. बहुत ज़्यादा हार्ड हिटिंग है, 5.5 वोल्ट. सो लेकिन वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है इस मशीन में, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है. बट लेट्स ट्राई इट आउट. ओके, सो द सेकेंड वन. सो डेफिनेटली दिस इज अ लाइनर मशीन और मेरे को ठीक लग रही है. मतलब अगर मैं प्राइस से कंपेयर करूं, सो आई पर्सनली फील दोनों की क्वालिटी प्राइस के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा बेटर है. बट यू डोंट नो कि ये टैटू जब बनाएंगे तो ये कैसा रन करेगी. सो वील जस्ट वेट फॉर द वॉलंटियर. एंड गाइस, सो आई हैव अरुण ओवर हियर. सो इज अरुण. हाय अरुण. सो अरुण ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था कि इनको वॉलंटियर बनना है. क्या करते हो? Sir, I have just started into tattooing and it been like 1.5 months. I have switched my job from, मतलब मैं BPO job करता हूँ, international okay. BPO. So this is the tattoo we are going to do today. It's a ship one. And कितने excited हो या कितने nervous हो, कितना pain का डर लग रहा है? थोड़ा सा nervous भी हूँ और pain का I guess इतना सच कुछ problem नहीं होगा क्योंकि आप बहुत experienced हो, so that is not my problem. तो कि tattoo best ही होगा मुझे इतना पता. ठीक है, let's start with the tattoo. सो द मोस्ट फनी पार्ट इज़ कि ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ठीक से प्लेस नहीं किया गया क्योंकि जो नीडल का बार है वो इसके साथ टकरा रहा है. बट लेट्स होप कि चल जाए ठीक से. सो ये इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ये अटक रहा है तो नीडल इससे ज़्यादा बाहर नहीं आ रही है. बट आई बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं है और नीडल भी इससे ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते बिकॉज यहाँ पे अटक रहा है. तो इतनी नीडल से तो काम नहीं हो सकता, कुछ और करके देखना होगा. कोई प्रॉब्लम आ रही है कि अगर मैं ग्रिप सेट को इससे ज़्यादा पीछे करता हूँ तो वो मेरा जो कैम है उसको टच कर रही है. सो इतनी नीडल बाहर आने से तो नहीं चल पाएगा. आई गेस ग्रिप सेट ये वाला काम नहीं करेगा इसमें. सो व्हाट आई कैन डू इज़ लाइक इस मशीन के साथ लाइनर लगा के देखते हैं. राइट, सो फाइनली हमने एक एलुमिनियम ग्रिप का यूज़ किया है जिसको हमने थोड़ा सा आगे से अंदर कर दिया है एंड अब ये बिल्कुल सही तरीके से लग चुकी है. बट आई वंडर वाई इसके अंदर हम ये ग्रिप सेट क्यों नहीं यूज़ कर सकते. या सो आई फील अभी के हिसाब से
दिस इज टोटली फाइन. अब कॉइल मशीन को सेटअप करते हैं. इसके अंदर भी ग्रिप सेट नहीं जा रहा है बिकॉज ये डिस्पोजिबल वाला है और ये थोड़ा सा थिक होता है, सो इट्स नॉट गोइंग इनसाइड. ये भी ढीला है, इसको भी टाइट करना पड़ेगा. अभी स्टार्ट करा है 5.5 वोल्ट पे और देखते हैं कैसा काम कर रही है. वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है. Alright, let's start with the shading now. So, जो भी मैं टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ उसमें ज़्यादातर मैं अपने इंस्टिंक्ट पे रिलाई कर रहा हूँ, मशीन की आवाज़ पे, मशीन की फील के ऊपर, और बिल्कुल भी वोल्टेज पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ. Alright, so finally we are done with the tattoo and अभी final thoughts देता हूँ आपको. Alright guys, so अभी पूछते हैं अरुण से कि आपको क्या लगा, pain कितना हुआ आपको? Pain ऐसा जितना नहीं हुआ, bearable था. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा extreme level का हो, but थोड़ा बहुत होता है obviously, तो process ही ऐसा कि pain हो गई, but bearable था. Okay, what I personally felt, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ. सो पहले बात करते हैं रोटरी मशीन की. रोटरी मशीन में मेरे को जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगी वो ये थी कि जो मेरा ग्रिप सेट है वो पूरा ऊपर नहीं आ सकता था. सो या तो मुझे कटर लेके ग्रिप सेट को काटना पड़ेगा या फिर मुझे एलुमिनियम या स्टेनलेस स्टील की ग्रिप यूज़ करनी पड़ेगी. सेकेंडली, रोटरी मशीन में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन थी एंड ये डेफिनेटली होना ही था बिकॉज जो बिल्कुल कम प्राइस की रोटरी मशीन्स होती हैं उनमें वाइब्रेशन होती है. उसका जो एग्रोनॉमिक्स होते हैं वो उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं होते हैं. और रही बात कॉइल मशीन की, आई फेल्ट कॉइल मशीन कम प्राइस की ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करती है एज़ कम्पेयर टू रोटरी मशीन. रोटरी मशीन में क्या मोटर लगी है, क्या कैम लगा हुआ है, यू डोंट गेट टू नो. बट एट द सेम टाइम जो कॉइल मशीन होती है उसको फाइन ट्यून करना ज़्यादा ईजी होता है. सो गाइस, अल्टीमेटली टू कंक्लूड, Definitely you can use any kind of machine to make the tattoo. आप सस्ती मशीन से भी वैसा ही टाटू बना सकते हो. बट दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा रिलाई करती हैं वो होती हैं आपका एक्सपीरियंस कि आपको ट्यूनिंग कितनी आती है और आपको हैंड का कंट्रोल कितना ज़्यादा है और कैसा है, हैंड की कंसिस्टेंसी कैसी है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि जो मशीन का एंगल होता है वो अगर आप एक पेन मशीन यूज़ कर रहे हो या एडवांस लेवल की रोटरी यूज़ कर रहे हो तो आप किसी भी एंगल पर रख के उसको चला सकते हो. लेकिन अगर आप कम प्राइस की मशीन्स को यूज़ कर रहे हो तो वो हर एंगल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती आपको. बट नेवरदलेस आई न्यू द आंसर कि एक अच्छा टैटू बनाने के लिए आपको एक्सपेंसिव मशीन की ज़रूरत नहीं होती है. बट डेफिनेटली अगर आपको कम्फर्ट चाहिए और आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए मशीन के अंदर तो डेफिनेटली एक अच्छी मशीन में इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सो गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो. इफ़ इन केस यू रियली एंजॉयड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड कमेंट करके बताओ कि आपके पास कौन सी मशीन है और अगर आप अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो कौन सी मशीन लेने का सोच रहे हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज.